आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी एक प्यारी सी फ्रेंड की सजेस्ट की हुई रेसिपी। ये बहुत अच्छी है, मैंने ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। लोबिया चाट बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाने वाली बढ़िया सी फूड डिश है। इट्स रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर। अपने बच्चों को कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहें तो इस डिश को जरूर ट्राई करें। चलिए मैं आपसे बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े। हमको जरूरत है लोबिया, टोमेटो सॉस, सॉल्ट, ओनियन, गार्लिक, चिली, टोमेटोस। चलिए हम बनाते हैं अपनी लोबिया चाट। हम अपने लोबिया को अच्छे से वॉश करेंगे और इसको सोक करेंगे ओवरनाइट। इसके बाद इसको हम बॉईल कराने पर सोक कर लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। हम पानी डालेंगे, ये बहुत फटाफट बन जाती है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए हमने इसे पानी डाल दिया है, हमने केवल इतना ही पानी डालना है जिससे हमारी लोबिया अच्छे से डूब जाए। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी लोबिया को बॉईल करेंगे। लोबिया पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। पहले एक सीटी तेज आंच में बुलाएंगे, फिर गैस को धीमा कर देंगे, फिर दो सीटी और पकाएंगे। बस इतनी ही देर में हमारी लोबिया पक जाएगा। पहले टमाटर को ब्लांच करेंगे। टमाटर ब्लांच करने के लिए मैंने 3 ग्लास वाटर लिया है, लगभग हाफ चम्मच नमक डालूंगी। अब इसको जैसे ही गर्म हो वैसे ही ये खोलने लगेगा। हम इसमें मैं अपने टमाटो डालेंगे और टमाटो को लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद इसको तो गैस को सिमर करके रख देंगे। तो फिर इसके बाद हम इसे टमाटो को कोल्ड वाटर बाद देंगे। देखिए हमारे टमाटो अच्छे से ब्लांच हो रहे हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। देखिए स्किन फट गई है ना, इससे पता चल जाता है कि हमारा टमाटो अच्छे से ब्लांच हो गया है। गैस ऑफ करेंगे और इनको हम आइस वाटर बाद देंगे। देखिए आइस वाटर बाद देने के लिए मैंने एक बाउल में चिल्ड वाटर लिया है। अब इसमें हम अपने टमाटर निकालेंगे और इनको डाल देंगे और इसको 2 मिनट इसी भी ठंडे पानी में रखेंगे, फिर इसकी स्किन बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगी। टमाटर को ब्लांच कर लिया था, देखिए अच्छे से ब्लांच हो गए हैं। हमने इसे कोल्ड वाटर में वॉश कोल्ड वाटर बाद दिया है। देखिए कितनी इजीली स्किन रिमूव हो रही है। देखिए अब हम इसको मिक्सी में डाल करके इसकी प्यूरी बनाएंगे और फिर इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। अपने टमाटो की अच्छी सी प्यूरी बना ली है, देखिए प्यूरी बन गई है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। हमारी लोबिया अच्छे से बॉईल हो गई है। देखिए इतनी सॉफ्ट से बनाएंगे, देसी घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमने मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले अपनी क्यूमिन सीड्स डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून क्यूमिन सीड लिया है। इसमें हम अपने गार्लिक डालेंगे, गार्लिक को हम थोड़ा सा पका लेंगे। चिली डालेंगे, ओनियन डालेंगे। अब इसमें हम ओनियन को 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें ओनियन ज़्यादा नहीं पकानी है, बस ट्रांसल्यूसेंट ही करनी है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। पहले हम ओनियन के ऊपर अच्छे से ऑयल को कोट कर लेंगे, इसको स्टर करते रहेंगे और 2 मिनट बाद हमारी ओनियन रेडी हो जाएगी। देखिए हमारी ओनियन थोड़ी थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट होने लगी है। हम इसमें बटर डालेंगे। मैंने 2 टीस्पून बटर लिया है। हम बटर में हल्का सा करमलाइज कर लेंगे। ओनियन अच्छे से पक गई है, ट्रांसलूसेंट होने लगी है। जो हमने इसमें बटर डाला है इसी से हमारी चाट को बटरी फ्लेवर मिलेगा बढ़िया सा। पक गई है। अब मैं इसमें डाइस किए हुए टोमेटो डालूंगी, ये ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते हैं तो आप टोमेटो मत डालिए, मगर इसमें इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, हमें टमाटर बहुत गलाने नहीं है।
देखिए हमारी ग्रेवी एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसमें अपनी लोबिया डाल देंगे। ये हमारी बढ़िया सी लोबिया तैयार हो गई है। अब इसे हमें हम कोरिएंडर डालेंगे। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। देखिए हमारी बढ़िया सी नेविया लोबिया चाट रेडी हो गई है। इसको बनाने में हमें 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगे हैं और चलिए ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया यमी सी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।